हेलो मिस्टर दास, मैं बोल रहा था कि मैंने एक फाइल आपको मेल किया है। हाँ, वो मेल अच्छी तरह से चेक करके मेरे केबिन में आई है। तो ओके सर। क्या हुआ दास बाबू, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हैं? कुछ बोला क्या? नहीं, उतना खास कुछ नहीं, लेकिन मैं घर लौट पाऊंगा कि नहीं वो भगवान जानते हैं। क्या हुआ, आपने थोड़ी देर पहले कहा आपके फाइल सब रेडी हैं, काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो फिर रात को क्यों रुकना पड़ेगा? सारा दिन बाद अगर कोई काम का बोझ सर पे डाल देता है तो इसमें रात की क्या गलती है बोलिए तो। बोझ? क्या बोझ दे दिया फिर? अभी नहीं बोल सकते। मैं आई कम इन सर। हाँ आइए बैठिए। थैंक यू सर। सब देखा है आपने? यस सर। मैं पेन ड्राइव में लेके जा रहा हूँ। कल सुबह ठीक 10 बजे आप इसको फॉरवर्ड करेंगे। ये टेंडर मुझे चाहिए मिस्टर दास। आपने कभी टेंडर फेल किया है सर? आपको ही मिलेगा, देख लीजिए। ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और जहां तक मुझे पता है वर्धन कंस्ट्रक्शन हमें कड़ी चुनौती दे रही है। सो बी वेरी केयरफुल, इस कोटेशन के बारे में किसी को पता ना चले। आप निश्चिंत रहिए सर। ठीक है, यू मे गो नाउ। सर आप नहीं जाएंगे? नहीं, मुझे रात हो जाएगी, आप आइए। ओके सर। एनी प्रॉब्लम? हाँ, वो बहुत रात हो गई थी इसलिए मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। मुझे अगर लिफ्ट देते तो। आप किस तरफ जाएंगी? मैं न्यू टाउन की तरफ जाऊंगी। अच्छा, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए। थैंक यू। आप कहाँ उतरेंगे? आप तो बताए नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। हेलो, कुछ कह रहा हूँ मैं आपसे। मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, प्लीज किसी जगह पे मुझे लेकर जाएंगे? मतलब आप जाएंगी कहाँ? मैं आपको घर छोड़ दूँ? नहीं, तबीयत बहुत खराब लग रही है और नहीं सह पा रही हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मेरा घर सामने ही है, आप चाहती हो तो वहाँ आराम कर सकती हैं। हाँ हाँ, थैंक यू, प्लीज जल्दी चलिए प्लीज। ओ वेट,
आइए। बोल रहे थे अब थोड़ा बेटर लग रहा है? हाँ, पहले से बेटर लग रहा है। आपने जो मुझ पे एहसान किया। अरे नहीं, मिस्टर राहुल सेन गुप्ता। अच्छा, कह रही थी कि किसी भी तरीके से आज रात को यहाँ पे रह सकती हूँ? हाँ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ पे जा रहे हैं आप? वही, थोड़ा सा एक पैक मेरे लिए। और मेरे लिए? चलता है क्या? चलता है। ठीक है। और कह रही थी कि मैं चेंज करना चाहती हूँ, ये ड्रेस मैं सारा दिन पहनी हुई थी। एक्चुअली मेरे पास सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं। प्रॉब्लम नहीं है, आपका शर्ट भी चलेगा। आइए। आइए। हाँ चलिए। Drink. Oh, thank you. Cheers. अच्छा, आप तो आज घर नहीं लौटी, कोई इंतजार नहीं करेगा? चिंता मेरे लिए? मेरे लिए कोई भी परेशान नहीं होगा, मैं अकेली हूँ। आपका नाम नहीं जाना? सोहिनी रॉय। मैं असल में एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। और आप? मेरा एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कंपनी है।
आपकी तरह कलाकार नहीं हूँ। आपकी कंपनी का नाम क्या है? सिंगुप्त कंस्ट्रक्शन। What? इसको आप छोटी मोटी कंपनी कह रहे हैं? मुझे तो लगता था कि इस शहर में सबसे बड़े जो दो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं, एक है सिंगुप्त कंस्ट्रक्शन और दूसरा बर्धन कंस्ट्रक्शन। इंटरेस्टिंग, बहुत खबर रखती हैं आप। ये तो आपका फील्ड नहीं है, आपने कैसे जाना? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ मिस्टर सिंगुप्ता। आपका काम खत्म होते ही हमारा काम शुरू हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा जांच पड़ताल करना पड़ता है। You know what? You are so intelligent. Really? मुझे ना डांस करने का बहुत मन कर रहा है। Good. Then music please. Oh, just a minute. हाँ मिस्टर दास, क्या हुआ बोलिए। सर, हम लोग का कोटेशन छूट गया सर। व्हाट? लेकिन हमारा टेंडर तो सबसे कम था मिस्टर दास। सर, कल रात को मैंने आपको फाइनल कोटेशन भेजा था, जो आपने कहा था मैंने सब हिसाब करके ही भेजा था। लेकिन हमारा कोटेशन क्या था वो मेरे और आपके अलावा किसी को तो पता ही नहीं है, और उससे भी कम कोटेशन इसको जाने बिना पॉसिबल ही नहीं था। सर, हम लोगों का कोटेशन था 11 करोड़ और वर्धन कंस्ट्रक्शन ने दिया 10.5 करोड़। हेलो सर, सुन रहे हैं आप? हेलो सर सुन रहे हैं आप? हेलो, लाइन में है सर।
कंपनी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सहायता के बिना मेरी नौकरी कंफर्म नहीं होती। थैंक यू मिस्टर सेनगुप्ता, थैंक यू सो मच। सोहिनी रॉय फ्रॉम बर्धन कंस्ट्रक्शन। What? इसको आप छोटी मोटी कंपनी कह रहे हैं? मुझे तो लगता था कि इस शहर में सबसे बड़े जो दो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक है सेनगुप्त कंस्ट्रक्शन और दूसरा बर्धन कंस्ट्रक्शन। Oh.